वीडियो में हम करने वाले लेक्चर नंबर 10 ऑफ चैप्टर साउंड और हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके यूज बहुत सारे हैं, तीन आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे। आपने कभी ना कभी अपने किसी फ्रेंड को जब बहुत दूर है उसको इस तरह से कभी आवाज़ देके बुलाया होगा, ऐसे करके। तो ऐसे करके जब मैं आवाज़ देती हूँ या मैं बुलाती हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वॉइस को डायरेक्ट किया, ठीक है। वैसे अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो मेरी वॉइस, मेरी जो साउंड है वो सब तरफ ऑल डायरेक्शंस में स्प्रेड हो रही है, लेकिन जब मैंने ऐसे किया तो मैंने क्या किया, अपनी साउंड को डायरेक्ट कर दिया, मतलब इधर नहीं जा रही है, साइड में नहीं जा रही है, यहाँ पर मेरा हाथ आ गया है, ठीक है। तो साउंड को मैंने पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दिया, वही हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो फर्स्ट इसका यूज दिया हुआ है, मेगाफोन्स और लाउड हेलर्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स एंड शहनाइज आर ऑल डिजाइन टू सेंड साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग इट इन ऑल डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये दोनों बने हुए हैं बुक में। मेगाफोन क्या होता है, लार्ज कोन शेप्ड या फनल शेप का होता है, ठीक है। इस तरह से कॉनिकल शेप हो गया ना, ये ऐसा करने से क्या हुआ है, कॉनिकल शेप आपको मिल गया, कॉनिकल शेप या फनल शेप डिवाइस फॉर एम्पलीफाइंग एंड डायरेक्टिंग द वॉइस ऑफ अ पर्सन। यहां से अगर आप बोल रहे हो तो साउंड पहले यहां पर अंदर जाके रिफ्लेक्शन होगा, उसमें साउंड ऐसे गई, यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके गई। तो इस तरह से रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते होते जब साउंड बाहर निकलेगी तो साउंड एम्पलीफाई भी हो जाएगी और हमने उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक यूज। नेक्स्ट है ब्लो हॉर्न, यहां से आप ऐसे ऐसे दबाओगे तो आवाज निकलेगी, पौ 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 पौ, सुना होगा जरूर कहीं ना कहीं। अ ब्लो हॉर्न इज अ कोन शेप्ड विंड इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर सिग्नलिंग इन बाइसिकल्स में, कार्स में, बसेस में, ट्रक्स में और बोट्स में लगा सकते हैं इनको। नेक्स्ट यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज स्टेथोस्कोप, जैसा ये आपने सबने देखा है, ठीक है। इस तरह से इसको यूज करेंगे हम। तो आपके पास क्या क्या है यहाँ पर, ईयर पीसेस, यह है ईयर पीसेस, ठीक। इसके बाद ये पूरा ईयर पीस जो हमें ईयर्स में लगाना है। इसके बाद ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा है रबर ट्यूब, यहां से यहां तक ये रबर ट्यूब, ठीक है। रबर ट्यूब में ही साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, साउंड एम्पलीफाई होगी और मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। एम्पलीफिकेशन डायफ्राम में भी होगा और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पूरा रबर ट्यूब में होते हुए जाएंगे, ठीक है। यहां पर ये देखिए चेस्ट पीस है, इसको आप इसको चेस्ट पे लगाते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए या लंग्स को चेक करने के लिए, ठीक है। लंग्स और हार्ट की तरफ इसको लगाया जाता है। तो यहां पर चेस्ट पीस में क्या है, इधर होता है डायफ्राम, इसी को लगाते हैं ना, ये क्या करता है साउंड को एम्पलीफाई कर देता है। आप बहुत क्लियरली जब ये इस तरह से लगा के जब आप सुनेंगे तो आपको हार्ट बीट बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी, लब डब साउंड आपको क्लियरली सुनाई देगी, ठीक है। तो इसको एक बार टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं। स्टेथोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी चीफली इन हार्ट एंड लंग्स। इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। तो यही वही लिखा हुआ है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज बाय डॉक्टर्स फॉर लिसनिंग टू द साउंड प्रोड्यूस विद इन द ह्यूमन बॉडी मेनली हार्ट एंड लंग्स। तो ये जो रबर ट्यूब है हम बोल रहे हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, कैसे होगा, साउंड में वैसे गई, ठीक है, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन रबर ट्यूब में फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते होते साउंड में आगे जाएगी और यहाँ डायफ्राम साउंड को एम्पलीफाई कर देगा और आपको बिल्कुल क्लियर आप हार्ट बीट सुन सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर इनर वॉल्स से स्टेथोस्कोप ट्यूब की जो इनर वॉल्स है यहाँ पर रिपीटेडली इनर वॉल से रिपीटेड रिफ्लेक्शन होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, रिपीटेडली रिफ्लेक्शन होंगे और साउंड आगे जब जाएगी तो एम्पलीफाई होते हुए डायफ्राम से और एम्पलीफाई हो जाएगी और बिल्कुल क्लियर हमें हार्ट बीट सुनाई देगी। नेक्स्ट यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम पहले टेक्स्ट बुक में से देख लेते हैं। जनरली द सीलिंग्स ऑफ कंसर्ट हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स आर कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। तो सीलिंग क्या होती है, कर्व्ड होती है ताकि रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सभी जगह पर पहुंच जाए। तो इसको हम देख लेते हैं फिर साउंड बोर्ड पे आएंगे। तो सीलिंग्स, ये सीलिंग, ठीक है, कर्व्ड सीलिंग ऑफ बिग हॉल, दिस विल एक्ट एज अ साउंड रिफ्लेक्टर। सपोज सोर्स ऑफ साउंड यहाँ है तो साउंड, तुम्हें पता है ना, साउंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइन द सेम प्लेन। दोनों लॉज को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन साउंड का होगा,
ठीक है, तो सपोज साउंड वेव ऐसे गई है, यहां से रिफ्लेक्शन होगा ऑडियंस की तरफ, ठीक है, यहां से भी वही रिफ्लेक्शन हुआ साउंड वेव ऑडियंस की तरफ, रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके फिर ऑडियंस की तरफ, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके ऑडियंस की तरफ, और इस तरह से कर्व साउंड कर्व सीलिंग की हेल्प से सारे ऑडियंस को बहुत क्लियरली दूर दूर तक जो बैठे उनको भी क्लियरली सुनाई देगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, समटाइम्स अ कर्व साउंड बोर्ड मे बी प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द साउंड बोर्ड स्प्रेड्स इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द हॉल। जैसे सपोज हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए, सपोज ये सोर्स ऑफ साउंड है, तो इस सोर्स ऑफ साउंड के पीछे भी हमने कर्व साउंड बोर्ड लगाया है। ये जो कर्व साउंड बोर्ड होगा दिस विल एक्ट एज साउंड रिफ्लेक्टर, सपोज साउंड ऐसे गई तो सेम रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ठीक है, इसके बाद साउंड अगर ऐसे गई तो भी रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यहां पर आप एक बार देख लीजिए, सपोज ये आपका सरफेस है जहां से साउंड को निकलना है, रिफ्लेक्ट होना है, सपोज ये इंसिडेंट रे है और ये बनाया मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है पॉलिश्ड सरफेस, और अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, फॉलोइंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जब ये कर्व पार्ट हम बनाते हैं तो कर्व यहाँ तो स्ट्रेट था तो क्लियरली दिख रहा है, कर्व पार्ट में ये मैंने एंगल ऑफ, ये मैंने इंसिडेंट रे बनाया है और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो एक्चुअल में इनका नॉर्मल यहाँ कहीं होगा बीच में, ठीक है, नॉर्मल ऐसा होगा कर्व पार्ट का, कर्व पार्ट का नॉर्मल अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो उसका नॉर्मल अलग अलग आएगा। तो यहां पर जैसे एक हो गया, इसको एक और लेते हैं, सपोज ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, ठीक है, इसमें नॉर्मल ऐसा कुछ होगा, फॉलोइंग दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर और ले लेते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, पर्सन सबको सुनाई देगा क्लियरली, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल इस तरह से बनेगा, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद और लाइट रे और साउंड लेते हैं हम, ठीक है, इंसिडेंट ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, यहां पर दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा, और इस तरह से सोर्स ऑफ साउंड के पीछे भी अगर हमने कर्व साउंड बोर्ड लगाया है तो भी रिफ्लेक्शन होगा, क्लियरली सभी ऑडियंस को सुनाई देगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ, साउंड बोर्ड इज अ कॉनकेव बोर्ड कर्व बोर्ड विच इज प्लेस्ड बिहाइंड द स्पीकर इन लार्ज हॉल्स और ऑडिटोरियम सो दैट हिज स्पीच कैन बी हर्ड इजिली इवन बाय द पर्सन सिटिंग एट कंसिडरेबल डिस्टेंस। तो कंक्लूजन ये हुआ कि हम बिग हॉल्स में, ऑडिटोरियम्स में, कंसर्ट हॉल्स में स्पीकर के पीछे भी, म्यूजिशियन के पीछे भी हम साउंड बोर्ड लगाते हैं, कर्व साउंड बोर्ड, और जो सीलिंग होती है वो भी कर्व होती है ताकि प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो।